अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 11 सितंबर के बाद कुछ ग्रोहों ने इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा, जिसकी वजह से दाएं बाजू की इंतहा पसंदी बढ़ी। इस्लामोफोबिया पर बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि ऐसे रुझानात का हम सब ने मिलकर मुकाबला करना है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस फाश नजरियात फैला रहे हैं और भारत में मुसलमानों और अकलियतों के हुकूक छीन रहे हैं, लेकिन इस पर आलमी बरादरी खामोश है। याद रहे कि शिद्दत पसंद मोदी हुकूमत और मुतासिर दहशतगर्द ग्रोह आरएसएस भारतीय मुसलमानों की जिंदगी नित नए तरीकों से अजीरन बना रहे हैं। पाकिस्तान ने मजलूमीन के दिफा में अकवामे आलम में आवाज उठाई है, लेकिन खुद भारतीय मुसलमानों की तरफ से अपने दिफा में कोई आवाज बुलंद नहीं की गई और आलमी बरादरी भी इस दहशतगर्दी से नजरें चुराती नजर आ रही है।